चंदौली में घर के सदस्यों को नौकरी दिलाने के नाम पर महिलाओं से ठगी करने वाले शातिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त खुद को अलग अलग विभाग के अधिकारियों के करीबी होने की बात महिलाओं को बताता और अधिकारियों के सामने गरीब बनकर जाने के लिए कहता और उनके जेवर आदि को उतरवा कर रख लेता और फिर रफू चक्कर हो जाता। थाना धानापुर पुलिस ने शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया शातिर हाल ही में 4 वर्ष की कारावास व 10,000 जुर्माना की सजा काट कर जेल से छूट कर आया था। अभियुक्त को मई घटना में प्रयुक्त वाहन अपाचे मोटरसाइकिल मैं चोरी आभूषण कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए व नगद रुपए 43,000 के साथ गिरफ्तार किया है। आज थाना प्रभारी धानापुर और उनकी टीम को एक ऐसे अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है जिसका नाम सूरज यादव और समीम है, जो नादी निधौरा थाना बलुआ का रहने वाला है। ये अपराधी भोले भाले व्यक्तियों महिलाओं को झांसे में लेकर नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे पैसे ऐंठता था और उनके महिलाओं के गहने उतरवा लेता था। इसके संबंध में थाना धानापुर में और थाना सकलिया में पूर्व से अभियोग पंजीकृत था और इसकी काफ़ी दिनों से तलाश थी, जिसे आज गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। इसके पास से घटना में प्रयुक्त अपाचे बाइक और महिलाओं से लिए गए करीब 2.5 लाख रुपए के गहने और 43,000 रुपए नगद तथा असलाह कारतूस बरामद हुआ है। इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इसका कोई सर और भी अपराधी की तलाश रहा है? प्रथम दृष्टिया जानकारी करने पर पता चला है कि वाराणसी में इसके विरुद्ध 4-5 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य अपराधों के बारे में जानकारी की जा रही है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए चंदौली से सूर्य प्रकाश सिंह की रिपोर्ट।